पीएसएल के चल रहे आखिरी लम्हात, पीएसएल ट्रॉफी आएगी किसके हाथ, किस पे होगी इनामात की बरसात, फिर आईपीएल की हो जाएगी शुरुआत, वो मैचेस भी चलेंगे दिन रात। लेकिन शॉकिंग चीज ये है कि कोहली को वर्ल्ड कप से निकालने की हो रही है बात। पीएसएल और आईपीएल जब स्टार्ट होते हैं तो हमारे लिए यही खुशी होती है, क्योंकि मुल्क में तो और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, हमारा पीएसएल तो बस एंड हो गया। एक टीम तो ऐसी धड़ल्ले से पहुंची है ना फाइनल में, मुल्तान सुल्तान पूरा टूर्नामेंट में ऐसा खेले हैं कमाल, और मुर्शिद तो पता नहीं कौन सा दम शू पड़ के आए हैं, अपनी टीम को हमेशा टॉप पर ही लेके जा रहे हैं, और फाइनल में इनकी टीम तो पहुंच गई है, लेकिन ये नहीं पता कि इनको कौन सी टीम ज्वाइन करने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, वाइब्स आ रही है कि कहीं बाबर आजम फिर से फाइनल में रिजवान के साथ न खड़ा हो। हेलो, बहरहाल आपके हिसाब से मुल्तान को फाइनल में कौन सी टीम ज्वाइन करेगी, कमेंट्स में जरूर बताना अपनी राय। पीएसएल 18 मार्च को खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 22 मार्च को ही आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा। कुछ हमारे जो पीएसएल के खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में भी चले जाएंगे। जैसन रॉय ने तो मना कर दिया कि मैं आईपीएल नहीं खेलने जाऊंगा, पता नहीं अब उसको क्या मसला है, लेकिन पुलाड वगैरह और भी काफी लोग, विली शिली, ये सारे चले जाएंगे आईपीएल की वजह से। एक ये होना है कि जो न्यूजीलैंड ने टूर करना है ना पाकिस्तान का, उसमें उनके बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, डैरल मिचेल, फिलिप्स वगैरह, ये शायद ना हो सकता है छोटी टीम पाकिस्तान में आए। ये आईपीएल बाकियों के लिए शायद नॉर्मल होगा, एंटरटेनिंग होगा, लेकिन विराट कोहली इसको हल्के में नहीं लेने वाला, क्योंकि उस पर इतनी बातें चल रही है, उनके जो बड़े बड़े एंकर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि कोहली को वर्ल्ड कप से निकाला जा रहा है। कमाल है यार, ये तो वो बंदा है जो इंडियन टीम को हर मुश्किल सिचुएशन से निकालता है, प्रेशर में खेलने वाला ये खिलाड़ी है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का मैच हुआ था, बाकी तो सारे पुक गए थे, कोहली खड़ा रहा था, आखिर पे उसने मैच जितवाया था। तो अगर इसी को T20 वर्ल्ड कप से निकाल देंगे तो फिर पीछे बचा क्या भाई। माना इंडिया के पास यंग टैलेंट बहुत है, जायसवाल है, हमारी शब्बो बाजी भी है, शबनम जी, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कोहली को इतना जल्दी हटा नहीं सकते। वैसे ये लोग कोहली की इसीलिए ज्यादा आता मांझी सटकी होगी कि मैं इतने रन बनाऊंगा ना, इतने छक्के चौके लगाऊंगा कि खुद खिलाना ही पड़ेगा मुझे वर्ल्ड कप में। पहले ये खबर ऐसे नॉर्मल चल रही थी, लग रहा था शायद ऐसे ही किसी ने शुरली छोड़ी होगी, लेकिन इतने बड़े लेवल पर इनके जो बड़े बड़े वो एनालिस्ट बैठे होते हैं, पुराने खिलाड़ी बैठे होते हैं, वो भी यही बातें कर रहे हैं कि शायद कोहली को ना खिलाएं वर्ल्ड कप में। तो इस आईपीएल में जहां इनके यंगस्टर जान मारेंगे अपने T20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए, वहां कोहली को चाहिए थोड़ा और उभर के सामने आए, थोड़ा और मैचेस फिनिश करे, ताकि उनको पता चले कि कोहली अभी है। वैसे पाकिस्तान के लिए तो ये अच्छी खबर होगी, क्योंकि अगर कोहली वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो पाकिस्तानी के लिए अच्छा ये होगा कि वो रन नहीं बनाएगा, क्योंकि पिछले 10-12 साल से वो जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है, बाकी इंडिया के प्लेयर्स अक्सर नहीं चलते, लेकिन वो बंदा चल जाता है और मैचेस जितवा जाता है। सो भाई इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका होगा कोहली को ना खिलाना। तो बहरहाल यार, आपकी इसमें क्या राय है, क्या वाकई कोहली अब इतना बूढ़ा हो गया है कि उसको वर्ल्ड कप में नहीं खिलाना चाहिए, वो हिस्सा भी नहीं बन सकता टीम का, जो भी राय है कमेंट्स में बताना, और वीडियो सही लगे तो यार लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।